ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि यार, ये वीडियो थोड़ी हार्ड होने वाली है। एंड जो लड़की का पेज है यार, मैंने काफी मेहनत से बनाया है। एंड ये आप सभी को अपने मॉडल के साथ कैसे लगाना, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना एंड उसके बाद पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना, फिर ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को पहले लड़की का जो मॉडल है इसको पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इसको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे से आप सभी को पहले डन कर देना है, ठीक है? यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अपनी जो फोटो है उसको ले लेना है। एंड पहले मैं इसका कटआउट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से हम ड्रॉ टूल में चलेंगे। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, हम यहाँ से लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद जो हमारे सबसे ऊपर इस वाली लेयर को रखनी है, एंड उसके बाद हम इरेजर टूल में जाएंगे, ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, हार्ड ब्रश को। एंड यहाँ पे हम सिंपली कुछ इस टाइप से फटाफट से इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है? तो और गाइस, मैंने मतलब पूरी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे मैंने गाइस इसको इरेज कर लिया है, एंड इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना, आप भी सीख जाओगे, ठीक है? तो उसके बाद आप सबको फिर दोबारा से अपनी उसी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है? उसको ऐड कर लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है, जो अभी आपने कटआउट निकाला है अभी, उस फोटो को यहाँ पे ले लेना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं ऐड फोटो में जाकर यहाँ से इस फोटो को ले लूँगा एंड यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो अपने मॉडल को जिस टाइप से यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है? इस टाइप से लगाने के बाद आप सभी को थोड़ा सा जो हार्डनेस है इसको कम कर देना है। एंड उसके बाद आगे से ना हाथ का एरिया उसको सिर्फ इरेज कर देना है, ठीक है? अपने हाथ के आगे का एरिया जो हल्का सा इरेज कर देना, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपली आप सभी का जो मॉडल है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो आपको जो हाथ का एरिया है इसको लगा लेना है, एंड जो बाकी जो बैक के आगे का एरिया आ रहा है मैं इसको यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेता हूँ, ठीक है गाइस? तो यहाँ से हम फटाफट कर लेंगे। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है, तो आप लोग आराम से करना, मैंने यहाँ पे बस वीडियो को फास्ट कर रखा है इसलिए थोड़ा फटाफट हो रहा है, ठीक है? तो गाइस, आप सबको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो देखिएगा जी, हमारे हैंड के आगे बिल्कुल मॉडल एकदम ऐड हो चुका है। तो आप सभी को कुछ इसी टाइप से अपने मॉडल को लगाना है, ठीक है? एंड हैंड के आगे से हल्के हल्के इरेज कर लेना है, बस इतना ही करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, टूल्स में जाना है, फिर इसमें थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है यहाँ से, ठीक है? क्रॉप में कर लेते हैं यहाँ से, एंड हल्का सा क्रॉप करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम यहाँ से ऐड फोटो में चलेंगे और एक पीएनजी और ले लेंगे यहाँ पे। तो गाइस, इस वाले पीएनजी को ले लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा जो मतलब बटरफ्लाई का जो पीएनजी है हमारा, तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम जो फोटो का यहाँ से जूम करेंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई को लगाएंगे हम फटाफट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड इसका हम डुप्लीकेट कर लेंगे एक, और एक इसको हम इस तरीके से यहाँ लगा देंगे, एंड हम एक और डुप्लीकेट कर लेंगे, एंड इसको हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप सभी को बटरफ्लाई को लगा लेना है। एंड इतना कर देने के बाद आप सबको अब क्या करना है, आपको कर देना है यहाँ पे डन, ठीक है? इतना करने के बाद आप सबको दोबारा से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको नए वाला विगनेट का पीएनजी ले लेना है, एंड इसको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड ये गाइस देखिए, इसके बाद तो अलग ही लुक आ जाएगी हमारी फोटो में, ठीक है? तो कुछ स्टेप्स लगा देना है, एंड यहाँ पे डन कर देना है। एंड आप फोटो को सिंपली सेव कर लेना है, इसमें कलर करेंगे लाइट रूम ऐप में। ओके गाइस, तो हम लाइट रूम में आ चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लाइट वाले ऑप्शन जाकर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट को बढ़ा देंगे, शेडो को भी बढ़ा देंगे, एंड जो व्हाइट हम इसको बढ़ा देंगे, जो ब्लैक इसको हल्का सा कम कर देंगे। फिर जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, है ना? एंड उसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे, एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सबको येलो कलर में जाना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना डार्क ब्लू में, एंड उसका सैचुरेशन इसको कम कर देना है, एंड ऐसा डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सबको इसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विगनेट है वो हल्का सा डाल देना है। एंड उसको नीचे से रोल करना, आप सबको ग्रेन अमाउंट मिलेगा, इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज कर देना है, नॉइज रिडक्शन है जो इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है? तो फोटो का जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसके अपडेट आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज़ यार एक दो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यार वीडियो को मेरी शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।